Hello friends, welcome back to my channel Joe's Authentic Kitchen. Please subscribe my channel and like all my videos. सबसे पहले आप सबको गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं. फ्रेंड्स, क्योंकि गणपति बप्पा का फेस्टिवल है तो आज हम उनका ही फेवरेट फूड बनाएंगे और वो है मोदक की रेसिपी. तो आइए देखते हैं कैसे बनाएंगे इसे. सबसे पहले मैं लूँगी एक नारियल किसा हुआ और एक कप गुड़. कढ़ाई में घी चढ़ा दूंगी और इसमें डाल दूंगी मैं किसा हुआ नारियल. इसे अच्छी तरह से सॉटे कर लूंगी. अब इसमें मैं गुड़ डाल दूंगी और इसे तब तक पकाऊंगी जब तक कि गुड़ मेल्ट ना हो जाए. गुड़ मेल्ट हो गया है और मिक्सचर तैयार है. इसे साइड में रख देंगे ठंडा होने के लिए. अब इसमें मैं स्प्रिंकल कर दूंगी इलायची पाउडर. आइए अब हम मोदक का आटा तैयार कर लेते हैं. यहाँ दो ग्लास गर्म पानी करने को रख दिया है तपेले में. इसमें एक चम्मच घी डाल दिया है. अब इसमें मैं आटा डाल दूंगी. लगभग डेढ़ ग्लास आटा डालूंगी. अब इसे बेलन की मदद से इस तरह से फटाफट चला लूंगी. इसे अच्छी तरह से मिक्स करना है ताकि इसमें लंप ना पड़े. इसे ढक दूंगी 2 मिनट्स के लिए. अब इसे अच्छी तरह से मिक्स करूंगी फटाफट. देखिए इस तरह से. इसमें रिक्वायर्ड है तो हम थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं, बट गर्म पानी ही यूज करना है. अगर आपको ड्राई लगता है तो आप यूज कीजिए, अदरवाइज नहीं. हम इस मिक्सचर को परात में लेंगे और घी के हाथ से इसे अच्छी तरह से मलेंगे और एक अच्छा स्मूथ डो बना देंगे. देखिए हमारा स्मूथ डो तैयार है. अब मैं स्टीमर के बर्तन को ग्रीस कर दूंगी. मैं डो का छोटा बॉल लेकर उसे फ्लैटन करके मोदक बनाना स्टार्ट करूंगी. रिक्वायर्ड होगा तो मैं घी हाथ में लगाऊंगी अगर आटा चिपक रहा है हल्का तो. इस तरह से फ्लैट कर दूंगी. अब इसमें 1 टीस्पून स्टफिंग भर दूंगी मैं और इसे अच्छी तरह से प्रेस करके चारों कोनों को इस तरह से प्रेस कर लूंगी. देखिए, और मोदक बना दूंगी. ये बेस को मैं फ्लैट कर दूंगी इस तरह से हाथ पे और ये बन गया मेरा मोदक. इसी तरह से मैं सारे मोदक बना लूंगी. स्टीमर तैयार है. अब इसमें मैं दोनों प्लेट मोदक भरकर रख दूंगी. 10 मिनट्स के लिए इसे ढक कर पका दूंगी. टेन मिनट्स हो गए हैं. अब हम मोदक चेक कर लेंगे. चाकू में चिपक नहीं रहा है, मतलब मोदक पक चुके हैं. अब इसे हम गर्मा गर्म सर्व करेंगे. फ्रेंड्स, मोदक तैयार है. अब इसे हम सर्व कर देंगे गणपति बप्पा को. तो बोलो गणपति बप्पा मोरिया. सो फ्रेंड्स, आप भी इसे ट्राई कीजिए और मुझे बताइए कमेंट में आपको कैसी लगी आज की रेसिपी. फ्रेंड्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. देवा श्री गणेश.
Thank you for watching my channel, Joe's Authentic Kitchen. Please subscribe my channel.